भाई साहब, मतलब इसका मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। मुझे ना बचपन में टीचर बनने का बहुत शौक था। सामने देखो एक पेज रखा हुआ है, बुक लेके बैठती थी और पढ़ाती थी इनविजिबल स्टूडेंट्स को और स्केल से मारती भी थी। हेलो नील हर्ट्स, तो कैसे हैं आप सब? बहुत बुरे हैं हम लोग। गाइस, आज का जो वीडियो है वो कुछ अलग ही लेवल का होने वाला है। मतलब ऐसा लेवल का जो कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो आज का वीडियो देखने आप मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो आज का वीडियो देख के आप हंसने वाले हो सकता है कि रोने भी वाले हो और आपको गुस्सा भी आ सकता है मेरे ऊपर। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की धमाकेदार वीडियो को। तो आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ, मतलब मैं देने वाली हूँ रिएक्शन मेरे चाइल्डहुड पिक्चर्स पे। और मैं बता दूं आपको, जब मेरा उम्र 9 दिन था, 9 days old, तभी का पिक्चर्स भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बट उससे पहले, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है यार, लाइक कर दो। बिल्कुल मुफ्त 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 है, आप फ्री में लाइक कर सकते हो, तो लाइक कर दो। और हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। ओके गाइस, तो देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे पिक्चर्स हैं, देखो। तो सबसे पहले हम एकदम, मैं जब छोटी थी तभी से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पिक्चर है ना, मतलब मैं क्या ही बताऊं गाइस, क्या ही बताऊं। मैं साइड में आपको दिखा दूंगी यार। यहाँ पे ना मुझे दुपट्टे के ऊपर रेड कलर का दुपट्टा ऐसे बिछा के मुझे सुला दिया गया है और मेरा फेस देखो आप ऐसे करके, और हाथ कैसा है बिल्कुल ऐसे करके हूं मैं। और बिंदी देख रहे हो, मतलब मेरा जो फोरहेड है वो छोटा पड़ गया है बिंदी के लिए, वो इतना बड़ा होते जा रहा है ना। और एक नहीं, नीचे एक छोटा सा और है, दो दो बिंदी। और आईब्राउ तो तभी से, मेरी मम्मी तभी से मेरे आईब्राउ ऐसे ऐसे करके ड्रॉ करती थी गाइस, सुंदर लगाने के लिए। कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, हाय मैं इतनी सुंदर हूँ गाइस। और एक बात, आपने लड़कों को देखा होगा बालों में स्पाइक करते हुए, कभी लड़कियों को देखा है? अभी देख लो यार, अब मैं बचपन से इतनी स्टाइलिश थी कि बालों को भी स्पाइक कर लिया था एकदम जेल वेल लगा के। और पैर भी कैसे किए हुए हैं मैंने, भाई साहब देख के शर्म आता है मुझे। ये सब पिक्चर्स, ये सब मुझे कोई इंस्टाग्राम पे टैग मत कर देना, गुस्सा हो जाऊंगी मैं नहीं तो, ठीक है? नेक्स्ट है जो, वो तो बाप रे बाप, मैं एक झूले पे सोई हुई हूँ गाइस। तो ये मेरा 3 महीने का होगा शायद, ठीक है, होपफुली दिख रहा होगा आपको। गिर जा रहा है यार, इतना मैं सदमे में जा रही हूँ देख के। तो झूला बहुत ही सुंदर है, क्यूट सा है। और इस पे मेरे बिंदी देख रहे हो, पहले तो गोल था, अभी ये ट्रायंगल बन गया है, मतलब अलग अलग डिजाइन बिंदियों का है ना। और दो बिंदी तो मस्ट है इसमें, तो मुझे आईलाइनर भी लगाया गया है, काजल भी लगाया गया है, आईब्राउ भी है। और यहाँ पे मैं मतलब ऐसा करके हूँ, देखो मुंह कैसा बनाती हूँ यार मैं बचपन से। मुझे अभी तक खाना बनाना नहीं आता, पर मुंह बनाना यार मुझे बचपन से आता है बहुत अच्छे से। और यहाँ पे हाथ पैर से मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बस मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि मुझे गुस्सा बहुत आ रहा है कि मेरा ऐसे पिक्चर ले रहे हो, हाँ इतनी हिम्मत। बट यार अच्छा है, झूला अच्छा है, मुझे अभी भी मन करता है कि मैं झूले में झूलती जाऊँ पूरा दिन। नेक्स्ट वाला गाइस, क्या ही क्या ही बताऊं मैं, ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पिक्चर ले रहा है ना, मैं अभी जाके उसको मारूंगी कि इतना हिम्मत तुम्हारा, मेरा पिक्चर लिया तुम, हाँ। और मुझे देखो यार, गाल ऐसे होके रखा है। और यार बिंदी देखे हो भाई साहब, 1 2 3 4 और ऊपर दो दो बिंदी, छोटे छोटे बिंदी, 4 5 6 टाइप के डिजाइन के बिंदी लगा दिया मुझे। और बाल ऐसे कर्ल हो रखे हैं, ठीक है ना, कर्ल करती थी मैं बचपन से गाइस, बहुत स्टाइलिश थी। और ड्रेस तो माशाल्लाह, क्या लग रहा है ना, मतलब लग रहा है कि मेरे पापा कोई पहलवान होंगे, है ना, कमेंट में बताओ। ओ नेक्स्ट वाला बहुत ही क्यूट सा पिक्चर है गाइस, क्योंकि यहाँ पे मैं अकेली नहीं हूँ, ये फैमिली पिक्चर है, तभी मेरी बहन हुई नहीं थी तो यही हमारा छोटा सा फैमिली था। तो यहाँ पे मेरे पापा हैं जो कि अभी वीडियो में बिल्कुल नहीं आना चाहते हैं, और मेरी मम्मी हैं जिन्होंने बालों में फूल लगा रखा है ना,
तो यार मैं बहुत ना बचपन से बहुत जेलस थी कि अगर तुम फूल लगाओगे मुझे भी फूल लगा के देना पड़ेगा, क्यों तुम क्यों अकेले फूल लगाओगे, तो इसलिए मेरी मम्मी ने मुझे भी फूल लगा के दिया गजरा ऐसे बालों में, है ना, ताकि मैं जेलस ना हो जाऊं। बट ये क्यूट पिक्चर है, एक ही छोटा सा बिंदी है, चलो। ओ भाई साहब, मतलब इसका मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। मुझे ना बचपन में टीचर बनने का बहुत शौक था, मतलब एकदम मैं चाहती थी कि मैं टीचर बन जाऊँ। तो मैं हर रोज स्कूल से आके साड़ी पहनती थी, ठीक है, बिना ब्लाउज का साड़ी पहन के बालों को ऐसे टाई करती थी। लिपस्टिक लगाना जरूरी है, ठीक है, अब ब्लाउज पहनो ना पहनो लिपस्टिक लगाना ही पड़ेगा। लिपस्टिक लगाती थी और ऐसे पेन लेके, और सामने देखो एक पेज रखा हुआ है, बुक लेके बैठती थी और पढ़ाती थी इनविजिबल स्टूडेंट्स को, और स्केल से मारती भी थी, ठीक है। तो अभी भी मुझे पढ़ाना तो उतना पसंद नहीं, बट मारना बहुत पसंद है। तो यहाँ पे गुस्सा बहुत हूँ मैं, देखो यार, मतलब एकदम गुस्से वाली टीचर हूँ, समझ रहे हो। और मैं अभी गुस्से से सोच रही हूँ कि मैं किसको मारूँ नेक्स्ट टाइम, मेरा नेक्स्ट टारगेट कौन है, है ना। अच्छा, ये तो बहुत ही ज्यादा क्यूट पिक्चर है यार, मतलब मुझे तो आपको पता है यार, मुझे बचपन से ही दुल्हन बनने का, मम्मी बनने का बड़ा शौक था। तो गाइस यहाँ पे मैंने दुल्हन का मेकअप किया है, गहने लगाए हैं, बेबी भी है मेरे पास, बट मेरे पास कोई दूल्हा नहीं है, अभी भी मेरे पास कोई दूल्हा नहीं रहता, तो इसीलिए मैं टेडी बियर को दूल्हा बनाती हूँ। तभी भी मैं टेडी बियर को ही दूल्हा बनाती थी और डॉल को बेबी। 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग की वजह। कितना क्यूट पिक्चर है यार, मेरी शादी के टाइम पे ना ये जो पिक्चर है ये मैं इनविटेशन कार्ड में छपवाऊंगी पक्का, है ना। अच्छा आइडिया, ताकि कोई नहीं आए इनविटेशन में। सब कोई आएगा, आओगे ना, बताओ कमेंट करके मेरी शादी पे। वैसे कब होगा पता नहीं, होगा भी या नहीं। ये क्या पिक्चर है भाई साहब, इस टाइम पे कौन पिक्चर लेता है यार, ब्रश करते हुए कभी किसी का पिक्चर लेते हुए देखे हो, मुझे देख लो, मुझे बचपन से पिक्चर खिंचवाना इतना मजा आता था ना, इसलिए मैं ब्रश करते हुए एकदम चेयर में बैठ के ऐसे पैरों पे, मतलब पैर के ऊपर एक पैर रख के अच्छे से पोज दे रही हूँ कि हाँ मेरा ब्रश करते हुए पिक्चर ले लो। और मेरे पापा को भी ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था पिक्चर खींचने का, तो वो भी खींचते रहते थे। और मेरा हेयर स्टाइल देख रहे हो, आपने तो अभी देखा होगा ना लड़कियों को पफ करते हुए, मेरा तो तभी से एकदम इतना बड़ा पफ, भाई साहब कौन करता है, मैं करती थी ये। मुझे मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये वाला जो पिक्चर है वो दिखाऊं या नहीं दिखाऊं, क्योंकि ये इतना फनी है, मैं आपको कैसे ही समझाऊं। गाइस मेरे फेस पे, चेहरे पे गौर करो, ये ऐसा लुक है, देखो, है ना एकदम ऐसा लुक है ना। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो। मतलब ना मैं देखो, अगर गौर से आप देखोगे मेरे फोरहेड पे ना वो जो मोर पंख होता है ना, फेक एक मोर पंख लगा हुआ है इस वाली जो पिक्चर में। गो एज यू लाइक हमारे स्कूल में फंक्शन था, तो मैं कृष्ण भगवान बन के गई थी, कृष्ण भगवान के पास क्या बोलते हैं इसको, बांसुरी होता है ना, बांसुरी होता है तो मेरे पास भी था, तो वहां पे एक राम भी बना था कोई, ठीक है, तो मैं उसके पास गई, मैंने सोचा यार उसके पास तो तीर धनुष है, कितना एकदम एक्साइटिंग वाला चीज, मेरे पास सिर्फ बांसुरी है। मैंने उसको बोला तू अगर मुझे वो तीर धनुष देगा तो मैं तुझको ये बांसुरी दूंगी। तो उसने मुझे तीर धनुष दे दिया, मैंने उसको बांसुरी दे दिया। फिर हम लोग कंपटीशन में गए, मैं भी कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ नहीं आई, वो भी नहीं आया, क्योंकि मैं भी कृष्ण नहीं लग रही थी तभी, वो भी राम नहीं लग रहा था, ठीक है। और वो जो जज था ना वहाँ पे, वो मुझे पूछ रहा था कि वो कौन सा कृष्ण भगवान होता है कि जिसमें जिसके हाथों में बांसुरी नहीं होती, तीर धनुष होता है, ठीक है। तो मैं तो बहुत ही एकदम यूनिक वाला कृष्ण वहाँ पे बनी हुई थी, तो मेरी मम्मी इतना गुस्सा हो गई थी, देखो मैं रिक्शे पे खड़ी होके वहाँ पे पिक्चर ले रही हूँ, क्योंकि मुझे उन्होंने ना स्टूडियो के अंदर घुसाया ही नहीं कि मुझे लेना ही नहीं है तुम्हारा पिक्चर। फिर भी अंकल ने थोड़ा बहुत दया करके रिक्शे के ऊपर ही मेरा पिक्चर खींच दिया, कृष्ण भगवान तीर धनुष लेके रिक्शा पे जा रहे हैं, कितना अच्छा नजारा है गाइस, सोचो। तो यहाँ पे तो बहुत डांट पड़ी थी मुझे, और मेरा आईलाइनर भी देख लो, ठीक है, और बिंदी भी बहुत अच्छा। नेक्स्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है गाइस। गाइस आपको तो पता ही है कि मैं माइकल जैक्सन की छोटी बहन हूँ, और मुझे डांस बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छी डांस करती हूँ मैं। देख के लगा तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो। थप्पड़ अभी तुमको मार दूंगी, हाँ यार देख के थोड़ा लग रहा है कि मैं थप्पड़ मार रही हूँ, अगर लुंगी डांस हो सकता है तो थप्पड़ डांस भी हो सकता है, तो ये थप्पड़ डांस है, ठीक है।
और ये मैं स्कूल में जा रही थी तभी, प्राइमरी स्कूल था, स्कूल का नाम था शिशु कुंजो, वो बता दिया आपको मैंने, ऐसे ऐसे दो 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 चोटियां बना, चोटी नहीं क्या बोलते इसको, दो पोनीटेल्स बना के मैं जाती थी एकदम ग्रीन कलर का रिबन बांध के। तो हाँ ये रहा मेरा बचपन का स्कूल ड्रेस। अच्छा अभी दो पिक्चर है मेरे पास, दोनों सेम डेज के है गाइस। तो मेरे पापा का ना जो कैमरा का रील है वो खत्म नहीं हुआ था, इसलिए पापा ने मुझे बोला कि तुम रेडी हो जाओ मैं फोटो शूट करके दूंगा। तो मैं तो मुझे बहुत शौक था बचपन से फोटो शूट करवाने का, तो मैं भी साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई। और पोज देख रहे हो भाई साहब, मतलब क्या ही बताऊं मैं, लग रहा है कि मैं साड़ी का ऐड कर रही हूँ गाइस ऐसे करके, है ना। तो बहुत ही अच्छा है दो दो पिक्चर्स। ओह मुझे बचपन में ना साड़ी पहनना बहुत अच्छा था, अच्छा लगता था गाइस। तो लास्ट पिक्चर में आपको दिखाने वाली हूँ कि मुझे दुल्हन सजने का इतना शौक भाई साहब पूछो मत। मतलब यहाँ पे भी मैंने रेड कलर का साड़ी पहना है, ठीक है, वो जो बंगाली ब्राइड्स में ऐसे यहाँ पे डिजाइन बनाता है ना, ये भी मैंने बनाया है। और ये मेरा बर्थडे का पिक्चर है, और हेयर स्टाइल देख रहे हो ना, इतना 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 रखती थी मैं, ठीक है। तो काफी अच्छे से साड़ी वाड़ी पहन के एकदम ऐसे करके दुल्हन वाला पोज बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है गाइस। तो ऐसे करके एकदम कमर में हाथ वाथ डाल के मैंने पोज किया था, मुझे बचपन से ही पोज करने का बहुत ज्यादा ही आदत था। तो गाइस आज आई थिंक कि आप इससे ज्यादा मेरा बचपन का पिक्चर झेल नहीं पाओगे, क्योंकि मैंने इतना मतलब इतना अच्छा अच्छा पिक्चर आपको दिखाया कि आपने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा, है ना। मतलब आप तो सोचते होंगे कि करीना कपूर खान का जो छोटा सा क्यूट सा बेटा है ना, वही सबसे क्यूट है, बट नहीं गाइस मैं सबसे क्यूट थी, मैं बचपन से मैं पैदा ही खूबसूरत हुई थी, है ना। तो या अगर आप पार्ट टू देखना चाहते हो और भी ज्यादा भयानक नहीं और भी ज्यादा क्यूट पिक्चर्स देखना चाहते हो वो भी मेरे मम्मी के साथ, देन इस वीडियो को 50,000 लाइक तो प्लीज कर दो यार, मैं पक्का लेके आऊंगी, ठीक है, 50,000 लाइक्स कर देना। Love you. हाँ बिल्कुल मुफ्त 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 है, मैं तो बोलना ही भूल गई। और सब्सक्राइब भी कर दो ना, वो भी फ्री है ना, सब्सक्राइब कर दो जल्दी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू।